नेक्स्ट प्रत्यय है दोस्तों आपका तवतु प्रत्यय। तवतु, इसको लोग कतवतु भी पढ़ते हैं लेकिन कतवतु नहीं होता है, तवतु होता है। यहाँ पर के साइलेंट होता है। अब जरा जान लीजिएगा आप, यह भी जो होता है यह भी भूतकाल का बोध कराता है। किस काल का? भूतकाल का। लेकिन ये परस्मय पदी धातुओं में लगता है, और जो त प्रत्यय होता है यह आत्मने पदी धातुओं में लगता है। और बता दें आपको, और यह भी किस काल का बोध कराता है? भूतकाल का। और एक सबसे पते की बात बता दें आपको, त और तवत प्रत्यय को निष्ठा के नाम से जाना जाता है। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा, अर्थात इनको निष्ठा नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठा, जो एक तवत प्रत्यय है इसमें बसता क्या है? तो आपको बता दे दोस्तों, जिस भी शब्द के अंत में आपका जो है तवत तवती तवान, मैंने आपको यह भी बताया था ये जो त है ये ट में बदल जाता है। किस में? आपको मैंने बताया था दृश धातु या फिर जो है प्रक्ष इत्यादि धातुओं में, मतलब तब वहां तवत तवती तवान नहीं होगा, टवत टवती तवान। यही त ध में बदल जाता है। किस धातु में? लब धातु में। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, जैसे कह दें पठितवत पठितवती पठितवान, इस तरह से कभी आपके एग्जाम में पूछे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा इसमें तवतु प्रत्यय है। कौन सा? तवतु प्रत्यय। जैसे हम कह दें दृष्टवत दृष्टवती दृष्टवान, अगर अब पूछ ले कौन सा प्रत्यय है तो आप देख रहे हैं तवत तवती तवान, टवत टवती टवान या धवत धवती धवान आए तो क्या होगा? जैसे लब्धवत लब्धवती लब्धवान, पूछ ले कौन सा प्रत्यय है तो सीधे सीधे बता दीजिएगा दोस्तों तवत प्रत्यय है। और इससे जो बना शब्द है यह क्या होगा? यह भूतकाल का बोध कराता है, और यह परस्मयपदी धातुओं में, मतलब जो भी शब्द बनेगा वह परस्मयपदी का रूप धारण करता है। चलिए अगर इनसे क्रिया बनाते हैं तो यही चीज बनता है। आइए लेके चलते हैं आगे आपको इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय जो होता है यह वास्तव में आपको बता दें यह किसी भी क्रिया के अंत में या किसी भी शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, आन रहे या यही पर मान हो जाता है, ये जो मान होता है यह आपका जैसे आन मान, ये किसी भी क्रिया के अंत में आन आए या मान आए तो समझ जाइएगा, बस बेसिक चीज आपको जानना है, आन या मान आए तो समझ जाइएगा सानच प्रत्यय है। और ये आन या मान जो आता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप आनह आए या मानह आए, ये न ण में भी बदल सकता है, आणह आए या माणह आए, तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कौन सा प्रत्यय है, आपका जो है शानच प्रत्यय है। उदाहरण के रूप में हम कह दें जैसे कुर्वाण कुर्वाण, इसमें क्या आया है? आणह आया है, तो समझ जाइएगा कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। इसी तरह से दोस्तों आपको हम बता दें, जैसे एग्जाम्पल में आपके ये आ जाए कि लभमान, अब आप देख रहे हैं क्या रहा है, मानह आनह मानह या आणह माणह, अगर कुछ भी लगा रहे तो आप समझ जाइएगा दोस्तों वहाँ कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। कहने का तात्पर्य है जिस भी शब्द के अंत में, इसमें बना क्या है? क्री धातु में शानच प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बना?
कुर्वाण। इसी तरह से लव धातु में जब शानज प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लभमान। एक यहाँ पते की बात जरा ध्यान में रखिएगा, जब ये आस धातु या अस धातु में ये जुड़ता है कौन सा प्रत्यय, सानज प्रत्यय, तो याद रखिएगा आन नहीं जुड़ता है न मान जुड़ता है बल्कि वहाँ पर ईन जुड़ता है, बनेगा क्या, आसीन। इस तरह से आप ये अपवाद के रूप में ध्यान में रखिएगा कि सब जगह आनह माना या आणह माणह शब्द के अंत में आएगा तो सानच प्रत्यय होगा, लेकिन आस धातु या अस धातु के अंत में अगर सानच प्रत्यय आता है तो वहाँ पर आन मान या आण माण न होकर के ईनह शेष रहता है, इस तरह से बना आसीनह। कभी पूछ ले आसीनह शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा सानच प्रत्यय है। इस तरह से लेके चलते हैं आपको आगे किस प्रत्यय की ओर, मतुप प्रत्यय की ओर। और बता दें आपको दोस्तों, मतुप प्रत्यय जो होता है ये वास्तव में तद्धित प्रत्यय होता है क्योंकि यह शब्द के अंत में लगता है, लेकिन जो सानच प्रत्यय है दोस्तों यह आपका सानच प्रत्यय, यह आपका कृत प्रत्यय है क्योंकि यह धातुओं के अंत में लगता है। और मतुप प्रत्यय जो लगता है इसका अर्थ होता है वाला या वाली, किसी भी शब्द के अंत में, अर्थात जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, मान रहे या फिर वान रहे, तो समझ जाइएगा वहां पर वान जो आता है या कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें क्या हो, जिसके अंत में अकारांत शब्द, अकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में क्या हो, अ हो, तो ऐसे में मान न होकर के वान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कह दें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लभमान है, यहाँ पे ये मान नहीं है क्योंकि ये क्रिया में लगा है, धातु में लगा है, और दूसरी चीज ये माना है, ये मान आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में कह दें हम बलवान, तो यहाँ पर बल शब्द है, ये वान इसलिए हुआ क्योंकि ये अकारांत है, इस बल के अंत में आ आया है इसलिए यहाँ पर वान आया है। मतलब मान या वान जिस शब्द के अंत में रहे वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, मतुप। जैसे हम कह दें बुद्धिमान, आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, मान आ रहा है। हम कह दें इसी तरह से कुछ भी शब्द, किसी भी टाइप के शब्द अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें मान या वान आ रहा है तो समझ जाइएगा वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, मतुप प्रत्यय होता है। इस तरह से आप चीज़ों को, जैसे श्रीमान, श्री शब्द है, इसमें क्या आया है, मान आया है, तो इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। इस तरह से आपको ये प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा जरा सा, नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं लेकर आपको, शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय वास्तव में सानच और शत्रु प्रत्यय एक ही प्रकार के काल में लगते हैं। ये जो लगता है सानच प्रत्यय, आपको बता दें दोस्तों यह भी वर्तमान काल विशेषतः, साथ में कभी कभी भविष्य काल में भी यूज होता है, और शत्रु प्रत्यय भी वर्तमान काल के साथ साथ भविष्य काल का बोध कराता है। एक बात और पते की आपको बता दें कि सानच शत्रु प्रत्यय जो बसता है या जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए दोस्तों, आपको बता दें जिस शब्द के अंत में याद रखिएगा अत रहे या अन रहे, तो सीधे सीधे समझ जाइएगा जिस भी शब्द के अंत में अत या अन रहे तो समझ जाइएगा कौन सा प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय। एग्जाम्पल के रूप में आपको कह दें, जैसे गच्छन, अन आ रहा है, जैसे न में हलंत अवश्य रहेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात को। जैसे हम कह दें पठत, अत आया है, जैसे कह दें हसत, अत आया है, किसी भी शब्द के अंत में अत या अन आए तो वहां समझ जाइएगा शत्रु प्रत्यय है। और
ये शत्र और सानच को एक नाम से याद किया जाता है, इन दोनों को सत या श्यमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत या श्यमाण संज्ञा होती है, अर्थात इन दोनों को सत या श्यमाण नाम से जाना जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था त प्रत्यय उक्तवत प्रत्यय को किस नाम से? निष्ठा नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ले के चलते हैं आपको सत्र प्रत्यय ही की तरह एक प्रत्यय आता है जो नपुंसक लिंग का बोध कराता है, वह है आपका ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय जो होता है ये जिस शब्द के अंत में होता है वह नपुंसक लिंग का बोध करता है। इसलिए जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए? अनम आए या अणम आए। ध्यान दीजिएगा, अनम या अणम, म में हलंत रहेगा लेकिन न में हलंत नहीं रहेगा, जबकि इसमें यहाँ पे न या त में हलंत होता है। एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे हम कह दें गमनम, तो यहाँ पे क्या है? अनम आ रहा है। जैसे कह दें करणम, क्या रहा है? अनम आ रहा है। इसी तरह से कह दें हसनम, अनम आ रहा है। इस तरह से किसी भी शब्द के अंत में अनम या अणम आता है तो ल्युट प्रत्यय होता है, अत या अन आता है तो शत्र प्रत्यय होता है। अब आगे लेके चलते हैं आपको नए प्रत्यय की तरफ। जैसा जान लें आप, जैसे हम कह दें त्रिच प्रत्यय, आपको बता दें ये जो त्रिच प्रत्यय है ये आपका कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये कहाँ जुड़ता है? ये धातु में जुड़ता है। और एक प्रत्यय इसी की तरह है आपका तल प्रत्यय, यह जो होता है यह तद्धित प्रत्यय होता है। क्यों तद्धित प्रत्यय है? क्योंकि ये जो तल प्रत्यय है शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द मतलब संज्ञा आदि के, संज्ञा आदि के अंत में तल प्रत्यय जुड़ता है। तो याद रखिएगा त्रिच प्रत्यय जो होता है यह कहां जुड़ता है? यह धातु में जुड़ता है क्योंकि ये कृत प्रत्यय है, और तल प्रत्यय शब्द में संज्ञा इत्यादि में जुड़ता है क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय है। अब इन दोनों में क्या शेष रहता है? ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के अंत में, क्योंकि इससे मिलकर के शब्द का निर्माण ही होता है क्रिया में बन करके, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए दोस्तों, आपको बता दें त्रि रहे या फिर आपका ता रहे, तो समझ जाइएगा दोस्तों क्या होगा, वहां पर त्रिच प्रत्यय होता है। इसी तरह से आपको पता है ये ता या टा में भी बदल सकता है, इसी तरह से ये जो तल प्रत्यय होता है जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए? ता रहे। तो याद रखिएगा दोस्तों वहां कौन सा प्रत्यय होता है? तल प्रत्यय होता है। अतल प्रत्यय समूह के अर्थ में भी आता है, समूहार्थक शब्दों में अगर ता लगा है तो भी कौन सा प्रत्यय होता है? तल प्रत्यय होता है। और त्रिच प्रत्यय जो होता है क्रिया में लगता है, जैसे धातु में लगता है, जैसे हम कह दें क्रि धातु में अगर त्रिच प्रत्यय, और ये वाला या वाली का सेंस देता है और वो समूह के अर्थ में आता है, जैसे क्रि धन त्रिच प्रत्यय, तो क्या होगा? कर्त्रि हो जाएगा। आप देख रहे हैं त्रि अंत में आ रहा है, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में हम कर्ता कहते हैं तो ता आ रहा है। देखिए क्रिया में जुड़ा है, ये धातु में जुड़ा है। इसी तरह से कर दें हम हर्ता, हृ धातु है, या कह दें हर्त्रि, त्रि है। इसी तरह से कह दें भर्ता, भरण पोषण करने वाला, या इसी को कह सकते हैं हम भर्तृ, त्रि आ रहा है। इसी तरह से कर दें हम कुछ भी कह दें, कहने का तात्पर्य यह है कि अंत में आपके क्या आना चाहिए? त्रि या ता आना चाहिए, लेकिन वह किसमें जुड़ा हो? धातु में जुड़ा हो। और यहाँ जो आता है यह किसमें आता है? जैसे हम कह दें जनता,
अब आप देख रहे हैं जन क्या है, शब्द है, और ता क्या है, ता आप जान रहे हैं तल है। इस तरह से क्या हो गया, ये आपका तल प्रत्यय हो गया। इसी तरह से किसी भी शब्द के अंत में जैसे हम कह दें महान धनता, तो सॉरी क्या बना है? महानता जैसे कह दें हम, तो आप देख रहे हैं महानता में क्या हुआ है, महान विशेषण है। तो संज्ञा आदमी शब्द इत्यादि में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वह कौन सा प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय होता है। जैसे बंधुता, बंधु मतलब भाई, संज्ञा है। अब ये क्या है, ता है, तो क्या बना, ता मतलब बंधुता। तो आपको बता दें एक पते की बात और, ये तल प्रत्यय जो होता है ये वास्तव में भाववाचक संज्ञा के रूप में यूज होता है, भाववाचक संज्ञा। इस तरह से आपने देखा कि त्रिच और तल प्रत्यय में समानता होती है क्योंकि अंत में ता दोनों में भी रहता है, लेकिन ये धातु में जुड़ता है और वो शब्द में जुड़ता है। तो शब्द में रहेगा तो तल और धातु में रहेगा तो त्रिच। अब आगे लेके चलते हैं आपको अगले प्रत्यय की ओर, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कह दें ठक प्रत्यय या फिर आपका ढक प्रत्यय, जिस शब्द के अंत में इक रहता है, जिस शब्द के अंत में क्या रहे, इक रहे, तो समझ जाइएगा दोस्तों वहां कौन सा प्रत्यय होता है, ठक प्रत्यय होता है। और जिस शब्द के अंत में अगर आपको दोस्तों बता दें ए रहता है, ए शब्द शेष रहता है, तो समझ जाइएगा वहां ढक प्रत्यय होता है। जैसे हमने कह दिया आपसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहते हैं सामाजिक, आपने देखा कि सामाजिक में क्या रहा, एक रहा। और आपको इसी तरह से कह दें सांसारिक, जैसे हम कह दें प्रागैतिहासिक, क्या रहा, एक आ रहा है। हम कह दें कुछ भी व्यावहारिक, क्या रहा है, एक आ रहा है। इसी तरह से जिस शब्द के अंत में ए रहे, जैसे कौंतेय, क्या आया है, ए आया है। बना कैसे है, कुंती धन ढक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ढक प्रत्यय, तो क्या बना, कौंतेय। जैसे विनता धन ढक प्रत्यय तो वैनतेय, क्या बन जाएगा, वैनतेय। तो क्या आया अंत में, ए आया। एक पते की बात और बता दें आपको, जब ये प्रत्यय लगते हैं तो आपको बता दें अगर शब्द का जो शब्द होगा उसका प्रथम स्वर बदल जाता है। प्रथम स्वर अगर अ है तो किस में आ जाएगा, आ में आ जाएगा। प्रथम स्वर ई या ए है तो वह बदल करके अ हो जाता है। प्रथम स्वर अगर उ या ओ है तो बदल कर अ हो जाता है। इसी तरह से अगर प्रथम स्वर कुछ भी हो, कहने का तात्पर्य है दीर्घादेश या वृद्धादेश करता है, ये क्या करते हैं, ये दीर्घादेश या फिर वृद्धादेश करते हैं, दीर्घ आदेश या वृद्धादेश करते हैं। जैसे आपने देखा कि समाज धन एक, कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय। अब आपने देखा कि शब्द का पहला स्वर अ है, तो ये जो अ है ये किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, तो बन गया सामाजिक। इसी तरह से देखें आप, ये संसार धन ठक प्रत्यय, तो आपने देखा अ है तो ये आ हो जाएगा। इसी तरह से इतिहास शब्द होता है, मान लिया जाए हमने कह दिया ऐतिहासिक, तो आपने जाना कि इतिहास धन क्या,
ठक प्रत्यय। अब इतिहास दंड ठक प्रत्यय तो ई है, पहला स्वर अगर ई होता है तो किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। इसी तरह से अगर हम कह दें रैखिक, आपने देखा इक आ रहा है लेकिन ये मूल शब्द होता है रेखा दंड ठक प्रत्यय, ए आ रहा है शब्द का पहला स्वर तो अगर ए भी आए तो किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। देखिए व्यवहार धन इक बना व्यावहारिक, इसी तरह से अगर हम कह दें उपबंध धन ढक प्रत्यय तो क्या बनेगा, औपबंधिक, क्योंकि उ अगर रहेगा तो औ में बदल जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपने देखा क्या कि किसी भी शब्द के अंत में इक आता है तो वह शब्द क्या होता है, वह शब्द वहाँ पर ठक प्रत्यय होता है, और जिस शब्द के अंत में ए आता है तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, ढक। ये ठक है, ट ठ है, और ये ट ठ ढ है, इसलिए ये ठक है और ये ढक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन ये वीडियो इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे की बातों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।